करते हैं, खबर रायपुर से है, छत्तीसगढ़ से है, जहां राजधानी रायपुर में कांग्रेस का बस्तर संभाग में बूथ चलो अभियान शुरू हो रहा है। बस्तर की 12 विधानसभा में कल से अभियान की शुरुआत हो रही है। तो 12 विधानसभा है जहां पर कांग्रेस का ही कब्जा है, पहले दो पर बीजेपी का कब्जा था लेकिन आखिर में अब कांग्रेस का ही 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा है, और ऐसे में इस संभाग में, बस्तर संभाग में कांग्रेस का ही कब्जा बना रहे, इसलिए कोशिश यही है। और कांग्रेस भी सक्रिय है, यहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में शामिल होंगी, कुमारी शैलजा कांकेर में शामिल होंगी, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भानु प्रताप में शामिल होंगे, अलग अलग जिलों में मंत्री शामिल होंगे, दिग्गज मौजूद रहेंगे। 23,000 से अधिक बूथों पर हमारे नेता जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेता बूथों पर जाकर बैठक लेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू है। तो कांग्रेस पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर करने के बाद हम अपने जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका ट्रेनिंग करेंगे। अभी तक हमने संभागीय सम्मेलन भी कर लिया है। इसके अलावा बूथ चलो अभियान हम पूरे प्रदेश में चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता अलग अलग बूथों में जाएंगे। इसमें 10,000 से अधिक नेता हमारे जाएंगे, जो 23,000 से अधिक बूथों तक जाके बैठक लेंगे। यह कार्यक्रम 2 से 3 दिन तक चलेगा। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी बैठक करने जा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए, बस्तर संभाग की हम बात कर रहे हैं, वो संभाग जिसे चुनाव के लिए जीत की चाबी कहा जाता है, ऐसे में यहां पर कांग्रेस का ऑलरेडी कब्जा है लेकिन कब्जा बरकरार रहे। अब एक अभियान की शुरुआत जिसका नाम है बूथ चलो अभियान। इस अभियान के तहत क्या कुछ रणनीति और कौन से दिग्गज ग्राउंड जीरो पर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इस समय बस्तर बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम बात करें सत्ता का जो चाबी वो बस्तर को कहा जाता है। फिलहाल 12 की जो 12 सीटें अभी कांग्रेस के खाते में है, ऐसे में दोनों ही दल जो है बस्तर को मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। हमने इसके पहले देखा था जिस तरह से प्रियंका गांधी वहाँ पर आई थी, भरोसा का सम्मेलन किया गया, बूथ का प्रशिक्षण शिविर किया गया, और अब जो है कल से बूथ चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि बस्तर के 12 विधानसभाओं में एक साथ बूथ चलो अभियान की शुरुआत होगी। 12 विधानसभा में अलग अलग नेता को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य उसको जिम्मेदारी दी गई है। खुद सीएम भूपेश बघेल जो है जगदलपुर में शामिल होंगे, कुमारी शैलजा जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है वो कांकेर में शामिल होगी, पीसीसी चीफ जो है मोहन मरकाम वो भानु प्रतापपुर में शामिल होंगे। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि सरकार भले ही कांग्रेस की है लेकिन जो बस्तर के 12 सीटें उसको बचाने के लिए कांग्रेस लगातार फोकस जो है बस्तर को करी। बहुत महत्वपूर्ण है बस्तर का चुनाव, हमेशा वहां की परिस्थिति बदलती रहती है। फिलहाल अभी जो 12 सीट है उसमें कांग्रेस पार्टी काबिज है, लेकिन कांग्रेस बहुत उसके मेहनत कर रही है कि उनको उस जीत बरकरार रखना है। कल इसका आगाज होगा, तमाम बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, और पहली बार ऐसा होगा कि तमाम नेता जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। जी बिल्कुल कुलेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इस अभियान पर और किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो भी कार्यक्रम रहेंगे उस पर बंसल न्यूज की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।